हाउ टू डू कम्प्लीट द टेबल इन आइल्स रीडिंग लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल कम्प्लीट द टेबल बिलो चूज वन वर्ड ओनली दिस इज द काइंड ऑफ टेबल वी मे हैव गेट इन आइल्स रीडिंग ओके वेलकम टू माई चैनल आयल्स नाइन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो हाउ टू डू कम्प्लीट द टेबल बिलो ओके अब हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे हैंडल करना है चूज वन वर्ड टू वर्ड

ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेबल लाइक लाइक हमने जैसे लेबल द डायग्राम वाला डायग्राम को अंडरस्टैंड किया था ऐसे ही इस टेबल को भी अंडरस्टैंड करना है लाइक like, टेबल का हेडिंग है द कोकोनट पाम द कोकोनट पाम उसके फिर पार्ट्स के बारे में डिस्कशन है फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है उसके वो कैसा है उसका ये पार्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है फिर उसके यूजेज इन पार्ट्स के यूज़ के बारे में टेबल में पूछा है आपसे और उन यूजेस को ही ध्यान में रखकर आपको आंसर्स देने हैं आपको आंसर्स ढूंढने हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप है अपना ओके okay, जो एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है लेट्स लुक एट द एग्जांपल व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोड इट टू यू लाइक दिस दिस इज द एग्जांपल कंप्लीट द टेबल बिलो दिस इज द टेबल ओके नेक्स्ट इज वाइल्ड फिलिंग वाइल्ड फिलिंग योर फिलिंग द ब्लैंक्स यू शुड ऑलवेज माइंड योर स्पेलिंग्स एंड प्लूरल्स इफ देयर इज रिटर्न रिवर्स और रिवर इफ़ यू राइट एड देर रिवर्स एंड आंसर वॉज रिवर दैन योर आंसर विल बी रॉन्ग योर आंसर विल बी कंसिडर रॉन्ग आंसर क्योंकि अगर आप रिवर का रिवर्स लिखा होगा या रिवर का रिवर रिवर्स uh, का रिवर लिखा होगे तो दोनों ही सिचुएशन में आपके आंसर रॉन्ग कंसिडर होंगे और स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया अगर आपकी एक सिंगल लेटर भी मिसिंग हो गया ना सपोज रिवर्स में अगर आपने ई uh, e डालना भूल गए सपोज आई डालना भूल गए या आपने कुछ ऐसे ढंग से लिखा कि उनको समझ में नहीं आया एग्जामिनर को तो वो भी आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप है आपकी राइटिंग 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 जब आंसर शीट को आप फिल करते हो उस टाइम पे आपकी राइटिंग शुड बी लेजिबल लेजिबल है मीन्स ईजी टू रीड योर वर्ड्स ईजी टू रीड योर वर्ड्स योर वर्ड्स शुड बी वेरी ईजी टू रीड ये नहीं कि राइटर को ऐसे बहुत मतलब ध्यान लगा के देखना पड़ेगा क्या वर्ड लिखा है वो इतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज उनको बहुत सारे बहुत सारे उनको एग्जाम पेपर चेक करने होते हैं वो तो आपको काट देंगे इसका आंसर ओके लेट्स स्टार्ट दिस चूज़ द टेबल चूज़ वन वर्ड ओनली कंप्लीट द टेबल बिलो ओके अभी वो राइटर हर इंस्ट्रक्शन में आपको बोलता है एग्जामिनर ऑलवेज सेज राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस बॉक्सेस हेयर बट ऑन द आंसर शीट बॉक्सेस आंसर्स आंसर शीट पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं क्वेश्चन वाइज दिए होते हैं उन्हीं के अंदर अपना आंसर डालना है बट आप कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वेश्चन पेपर पर ही लिखते रहते हैं जिससे बाद में उनका टाइम यूज़ नहीं हो पाता और वो मिस्टेक हो जाती है उनसे ट्रांसफ़र करने में बेटर है जो आपको आंसर मिला साथ में आंसर शीट पर लिखते जाएं लिखते जाएं ओके okay, चलो अभी स्टार्ट uh, करते हैं ये वीडियो द कोकोनट पाम ओके ये पार्ट है इन पार्ट्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं ट्रंक ट्रंक के बारे में बात हो रही है कोकोनट पाम के ट्रंक के बारे में ट्री के जो है ट्रंक है उसका डिस्क्रिप्शन ही थर्टी मीटर्स अप टू थर्टी मीटर्स होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं उस ट्रंक ट्रंक में जो लकड़ी होती है टिम्बर फॉर हाउसेज एंड मेकिंग ऑफ डैश ओके तो अभी हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम पूरा पैराग्राफ को पढ़ने बैठे ये तो एक तरह की बेवकूफी है कि अगर हम पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठेंगे तो बिकॉज अगर आपको टाइम से और टाइम ता, तीनों पैराग्राफ को करने होते हैं सिक्सटी मिनट से होते हैं तो बेटर है आप अपने की के अकॉर्डिंगली ही आंसर ढूँढो और स्टोरियाँ पढ़ने मत बैठो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ओके लेट्स लुक एट फर्स्ट दिस इज द इम्पॉर्टेंट की वर्ड आई विल भी लुकिंग फॉर डैट अफकोर्स थर्टी मीटर्स जहाँ पे भी ऐसे फिगर वाला कुछ भी कीवर्ड आपको मिले उसको सर्कल करो और सबसे पहले उसी को ढूंढो उसी की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूमेरिकल फिगर्स वी कैन गेट ईजिली फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ लाइक वी हैव आफ्टर दैट आई विल भी लुकिंग फॉर दिस की वर्ड फॉर द मेन आंसर ओके Let's look at the word trunk at 30. Yes, in the second paragraph, I got the word here 30. Okay, 30 here. And uh, let's look at the word trunk also. Building houses is also there. Let's look at the word trunk. Where can I get? But we can none of the has a smooth cylinder trunk, is also here. Okay, let's read it from here this is an important source of timber for building houses okay for houses i got and is increasingly being used as a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction industry now what are the now we are looking for the uses uses of this here it is using for houses as well as for the making of फर्नीचर फर्नीचर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हालांकि यहाँ पे मेकिंग ऑफ दिया है और यहाँ पे दिया है फर्नीचर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बट हमें बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड हमें नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ उसका सिनोनिम या कुछ अलग वर्ड मिलेगा जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसी के मीनिंग को बता रहा है और सब, और से भी बड़ी बात हम यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो टिम्बर है बिल्डिंग हाउसेस के लिए यूज हो रही है और ये आ, ये जो ये हार्डवुड्स लिखी है जो टिम्बर जो लकड़ी है जो ट्रंक है वो फर्नीचर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी इंडस्ट्री में भी काम आ रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्नीचर फर्नीचर मेकिंग ऑफ मीन्स कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फर्नीचर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये इसकी बात हो रही है नेक्स्ट इज लीज अप टू सिक्स मीटर्स लॉन्ग टू मेक ब्रशेज फ्लावर्स फ्लावर्स एट द टॉप ऑफ द ट्रंक ओके नेक्स्ट वर्ड अपना होगा की वर्ड फ्लार्स फ्लार्स में होगा उसके बाद हम देखेंगे स्टेम्स प्राइड सैप यूज एज ए ड्रिंक और ए सोर्स ऑफ लेट्स लुक एट द वर्ड फर्स्ट वी विल बी लुकिंग फॉर द वर्ड फ्लार लीव इज ऑल्सो देयर लेट्स लुक एट द वर्ड फ्लार इज हेयर येस यस आई गॉट फ्लार स्टेम्स मे बी यस फ्लावर्स आर ऑल्सो हेयर वी कैन रीड इट फ्रॉम हेयर इनफैक्ट इन इनमेच्योर कोकोनट फ्लावर्स आर टाइटली क्लस्टर्ड टूगेदर अमंग द लीव

सैप यूज एज ए ड्रिंक और ए सोर्स ऑफ ओके सैप टू प्रोड्यूस ए ड्रिंक एंड सैप कैन ऑल्सो भी रिड्यूस्ड बाई बॉयलिंग टू प्रोड्यूस ए टाइप ऑफ शुगर यूज फॉर कुकिंग अगेन यूज वर्ड आ गया फिर से ठीक है तो शुगर यूज फॉर कुकिंग सो आर आंसर विल बी हेयर शुगर शुगर नेक्स्ट इज फ्रूट्स फ्रूट्स Let's look at the word outer layer, middle layer, inner layer. Okay. Fruits we can get. After that, we will be looking for coir fibers and used for dash. Used for coir fibers, used for dash. What? Okay. Fruits is also here. Three layers is also inner layer. Thick fibrous middle layer produces coconut fiber coir. Yes, we were. Yes, the question is talking about coir fibers. Okay, which has numerous uses, yes. Okay, and is particularly important in manufacturing ropes. In manufacturing ropes, middle layer coil fibers are used for making ropes. Let's write it here. You have to write it properly and match it whether it is rope or ropes. So, it is ropes is here. So, we have to write here ropes only. Next is uh, inner source, inner shear. Uh, inner layer shell a source of dash let's look at that inner layer where is that innermost layer okay the shell with its three prominent eyes rounds the seeds an important product obtained from the shell is an important product obtained from the shell is charcoal here it is clearly given the shell uses the uses of shell is making in producing चारकोल एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑपटेन फ्रॉम द शेल इज चारकोल सी देखो यहां से यहां तक इनडायरेक्ट वे में यही बात लिखी है इनर लेयर शेल एज ए सोर्स ऑफ चारकोल चारकोल और इसको समझो ये राइटिंग आइल्स राइटिंग में भी ये वाले सेंटेंसेस बहुत काम आते हैं जैसे यहां लिखा है एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑपटेन फ्रॉम द शेल इज चारकोल और इसका इन इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं द इनर लेयर शेल इज ए सोर्स ऑफ चार्ज चारकोल ओके नेक्स्ट इज फिफ्थ वन देखो अभी ध्यान से वेन हाफ फोर अब इसको उन्होंने कैसे लिखा है देखो वेन हाफ को उसने कैसे लिखा है ओके यस वेन ब्रोकन इन हाफ वैन ब्रोकन इन हाफ इज वैन हाफ्ट वेन ब्रोकन इन हाफ इज वैन हार्ड देखो उसने इनडायरेक्ट वे में ये मतलब देखो कैसे वर्ड्स को वो राइटर यूज़ करता है आपको अगर ये वाला गेम समझ में आ गया ना एग्जामिनर का आपके लिए आयल्स रीडिंग जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देती जिसको भी सिंपल सिंपल वर्ड्स के सिनोनिम्स और उसके मीनिंग और इनडायरेक्ट वे में उसको कैसे लिखा जाता है वो सब अगर समझ में गेम आ गई तो आपके फोर्टी में से फोर्टी आ जाएंगे मार्क्स और बैंड्स पूरे फुल नाइन बैंड्स आएंगे द शेल्स आर यूज एज बाउल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया इन ओके वेन हाफ फॉर फॉर वॉट फॉर बाउल्स दे आर यूज फॉर जब उसको हाफ किया जाता है तो उसको किसके लिए काम आता है बाउल्स के लिए सो so, यहाँ पे पढ़ते हैं वेन ब्रोकन इन हाफ द शेल्स और ऑल्सो यूज एज बाउल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द एशिया अब पूरे पैराग्राफ पूरे टेबल में देखो हमने इसके यूजेस के बारे में ही बात की किसके यूजेस के बारे में कोकोनट पाम ट्री के बारे में ट्रंक लीव्स उसके ट्रंक कैसे यूज़ होता है लीवस कैसे यूज होता है फ्लावर्स कैसे यूज़ होता है फ्रूट्स कैसे यूज़ हो रहा है उसका अब ये सारे फ्रूट्स के बारे में बात हो रही थी अब उसके कोकोनट वॉटर के बारे में बात हो रही है नेक्स्ट कोकोनट वॉटर ये वर्ड देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे ए सोर्स ऑफ फॉर अदर प्लांट्स ओके लेट्स लुक एट द वर्ड कोकोनट वॉटर ओके कोकोनट वाटर इज ए हेयर विच इज इंजॉयड एज ए ड्रिंक बट ऑल्सो प्रोवाइड द हार्मोन्स विच प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स हेयर मीन्स सोर्स ऑफ the hormones which encourage other plants to grow more rapidly and produce higher yields other plants is also here it means the hormones here a source of hormones for other other plants अब यहाँ इसको मैच करके देखो अब अगर हम पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं तो ये हारमोन्स ही इसके अंदर फिट आएगा डालने के लिए ये देखो आप अभी But also provides the hormones which encourage other plants to grow more rapidly. <coughs> excuse me. And produce higher yields. Provides hormones which encourage encourage nahi aa sakta देखो source of what encourage नहीं आ सकता। ये भी word नहीं आएगा। Other plants तो have to grow more rapidly भी नहीं आ सकता। तो अगर आपको वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो of course आप ये words match कर सकते हो। But इस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको हमें आपको हम हम क्या देख रहे हैं इन इसमें हमें देखना है यूजेस ए सोर्स ऑफ हारमोन्स फॉर अदर प्लांट्स ए सोर्स ऑफ हारमोन्स प्लूरल दिया है फॉर अदर प्लांट्स टू ग्रो रेपिडली एंड प्रोड्यूस हायर येड्स ये चीज़ देख के जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और इन चीज़ों को समझ समझ के आपको ये सब चीज़ें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बट हाँ टेबल को जब टेबल वाला आता है तो उसको टेबल को थोड़ा एनालाइज करो कि हमें क्या लिखना है इसके अंदर ओके नेक्स्ट इज कोकोनट फ्लैश ऑयल एंड मिल्क फॉर कुकिंग एंड डैश ओके ऑयल एंड मिल्क देखो इसी पैराग्राफ में वी गॉट द वर्ड हे ऑयल एंड कोकोनट मिल्क विच आर वाइडली यूज इन कुकिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इन कॉस्मेटिक्स फॉर एज वेल एज के लिए राइटर ने क्या लगा है एंड वर्ड यूज हुआ है और कुकिंग में यूज हो रहा है क्या यूज हो रहा है कोकोनट ऑयल एंड मिल्क वाइडली यूज इन कुकिंग देखो हर जो भी हमने जितने भी फिलिंग्स भरे हैं सबके आगे यूज या प्रोड्यूस या ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो इससे ये भी पहचाना है यूज इन कुकिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इन कॉस्मेटिक्स तो अब हम यहाँ कॉस्मेटिक्स भी डाल देंगे कॉस्मेटिक्स ऐसे ढूंढा जाता है देखिए अभी अब लास्ट है वी हैव लेफ्ट विद लास्ट वन ग्लिसरिन एंड इंग्रीडियंट इन डैश अब ग्लिसरिन वर्ड We should find yes in the last line. We have got the word glycerin acquired strategic. Okay, let's let's move on to the next page.